केजरीवाल की सरकार अब आप खड़े हो जाओ, आपको हम आपके बना दे, आप बदल जाओगे तो क्या कर लेंगे, किसी के माध्यम से लिखा हुआ है कि ये बाद में ऐसा कर देगा, एग्रीमेंट साइन करवा के दिया था कोई, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सब ऐसी ही राजनीति में जो एक बार घुस गया वो अपना ही भला देखता है, दूसरा किसी का नहीं देखता, हर आदमी का एक पंगा है, इसलिए बेकार राजनीति सबसे बेकार है, सबसे गंदी है। यही चीज जाके गुजरात में भी केजरीवाल जी कर रहे हैं। गुजरात वाले तो दिल्ली में रह रहे हैं, उनसे पूछो ना दिल्ली वालों से क्या कर दिया, दिल्ली वालों से पूछो, दिल्ली उनके दिल से गुजरात वालों ने भुगतक वही है, गुजरात वाले भुगतेंगे जब जानेंगे। हर आदमी जब तक ठोकर ना लगे तो संभलता नहीं है, ठोकर लगने के बाद संभलता है। कोरोना काल में 5,000-5,000 रुपए ऑटो वालों को, इसको 5,000-5,000 रुपए दिए, 10 में से 100 में से 10 को दे दिए, बाकी कहाँ गए, बाकी तो किसी को मिले नहीं। 5,000 रुपए में आप महीना चला लोगे अपना, आप बताओ इस महंगाई के टाइम पे क्या एक महीना आप गुजार लोगे, दो साल कोरोना रहा, 5,000-5,000 रुपए दे के क्या कर दिया, किसानों को दिया कोई बड़ा ना देता, अच्छा था ना देता वही अच्छा था, आदमी अपना काम तो कर रहा था, इसे वो 5,000 रुपए देते बहुत बड़ा एहसान कर दिया, 5,000 रुपए दिए ऑटो वाले को, 100 में से 10 को दे दिए, बाकी 90 का तो पता ही है खाने पानी। दूसरी बात ऑटो का जिस रेट में आज कार आती है उस रेट में आज ऑटो आ रहा है, ऑटो की कीमत जो है 2,20,000 रुपये 30,000 रुपये है नेचुरल ऑटो, मगर ब्लैक से 6.5 लाख रुपये का, फाइनेंस करवा के 8 लाख रुपये का बनता है, क्या ऑटो वाला कमा रहा है, कुछ नहीं कमा रहा ऑटो वाला, दिखता सब ऑटो वालों को कि ऑटो वाला है, 8 लाख रुपये का ऑटो देने के बाद में इस तरह कार ले ले वो बढ़िया है, दिखता है सबको ऑटो वाले ऑटो वाले ऑटो वाले, ऑटो वाला कोई कुछ नहीं है, हर आदमी की यह सी है, कोई केजरीवाल ना कोई साथ दे रहा है ना कुछ वो दे रहा है, स्कीम निकाल देंगे कागजों के अंदर, इस गरीब आदमी को ये स्कीम मिलेगी, ये स्कीम मिलेगी, अगर करने जाओ पूछने जाओ अरे इतने कानून बता देंगे, आदमी हार थक के वापस आ जाता है, वो जो चक्कर कटवाते रहेंगे, आज ये लेके आओ आज वो लेके आओ, उसके साइन करवा के लाओ, उसके साइन करवा के वो नहीं बैठा कुर्सी पे, वो नहीं बैठा कुर्सी पे, ये रह गया। जिंदगी आदमी की वही है, जब तक आपके हाथ पैर चल रहा है खुद कमा रहे हो तो सही है, किसी के भरोसे नहीं है, सरकार दे रही है कोई खाने को, सरकार कोई खाने को नहीं दे रही, किसी अपने हाथ से कमा रहे हो वो खा रहे हो, कोई सरकार नहीं दे रही है, सरकार सब चोर है। दिल्ली में कब से है, इतना में दिल्ली का मेरा शीला दीक्षित का काल जो था और आज का जो समय है, शीला दीक्षित का काल था चोर बाजारी उसमें भी थी, ठीक है, मगर इतनी महंगाई नहीं थी, इस टाइम जो महंगाई होगी काम सब होते थे उस टाइम पे, ले दे के जब भी अब भी ले दे के काम हो रहे हैं, होने को तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो ले दे के काम ना करता होगा, तो सरकार दावा करती है कहीं कुछ लेन देन है ही नहीं, कौन सी सरकार दावा करती है, इतना लेन देन का तुम धक्के खाते रहो भाई, तुम अपना काम धंधा छोड़ के महीने भर तक धक्के खा लोगे, अगर एक महीना काम छोड़ दिया आपने 20,000-25,000 कमाने वाले हो और 2,000 रुपये देकर काम हो रहा था क्यों नहीं करवाएगा आदमी, ये बात सोचो 2,000 रुपये दे के भाई ने 2,000 रुपये दे के मेरे एक महीने की छुट्टी तो बच रही है, रोज बुलाएंगा इतने बजे आ जाना उसके पास जाना साइन करवाने, इसमें ये कमी है वहाँ से ये साइन करवा के लाओ वहाँ से साइन करवा के लाओ, थोड़ा रोज ही चक्कर काटता रहता है, वैसे बहुत सवारी मिलती है हमें ऐसे पेंशन के लिए चक्कर काट रही है, चल बिहार जाती लाजपत नगर पेंशन नहीं मिली, 6-6 महीने की पेंशन रुकी पड़ी हम, रोज सुबह शाम 200-200 रुपये 300-300 रुपये किराया लगा लगा के जा रहे हैं आ रहे हैं बेचारे, क्या करे वो तो बड़े बूढ़े नहीं तो कोई वही है ही नहीं कुछ भी, कहीं से कोई इनकम है, केजरीवाल ने बंद कर रखी है, मोदी ने बंद कर रखी है, किसने बंद कर रखी है पता नहीं चल रहा, बस ऐसे ही हो गया, बेकार की बात है ये, सरकार कुछ करेगी, सरकार कोई कुछ नहीं करती, अपने हाथ पर सलामत है वही है, कोई सरकार के वो नहीं भरोसे, मैं ये कहना चाहूँगा क्या होगा इस बार अगर क्या होगा भाई सब, ये तो जनता भेड़ चाल चल रही है, एक के पीछे एक चल रही है, अगर वो देखे किसने हमारा क्या कर रही है, हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, उस चीज़ को देख के चले तो वो बात अलग है, भेड़ चाल चलने से क्या एक आदमी दूसरा सबको सब कुछ चल रहा है, दूसरी बात आजकल क्या रह गया है, वोट बांटो दारू लाओ और लगा लो, ये रह रहा है, 500-500 में ये फौज दिखती नहीं आपको रैली में नजर आते हैं, झंडा लेकर हाय हाय करने वाले चिल्लाने वाले 500-500 रुपये दुनिया भर के इकट्ठे हो जाते हैं, कौन अपनी मर्जी से काम धंधा छोड़ के जा रहा है, मैं क्या अपना ऑटो छोड़ के वहीं उसमें चिल्लाने जाऊंगा,
ये बताओ रिफंड में कौन जा रहा है? इसको 1500 रुपये मिल रहे हैं, खाने पीने को मिल रहा है, दारू मिल रही है शाम को, तो वैसे जाएगा ही रिफंड के? ऐसा कोई नहीं है कि रिफंड में चले जाएगा, वो तो उन्हीं का कार्यकर्ता होते हैं 10-5 जो होते हैं, बाकी के तो 90% जो है वो नोट दे के आते हैं सारे चिल्लाने वाले। ये हकीकत है। अच्छा आपके ऑटो दिन भर में बहुत सारे पैसेंजर चलते होंगे, बहुत अच्छा तो बस्ती होती है, क्या जनता का मूड? जनता का मूड तो यही है ना, तो वो बीजेपी को चाहने ज्यादा कर रहे हैं, अगर बीजेपी को एमसीडी में बीजेपी जीत चलेगी, कोई खास काम हुआ नहीं। क्या जहाँ भी देखो कि कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कहीं भी कंप्लेंट करने जाओ तो एक बार कंप्लेंट करे हफ्ते 10 दिन में आपके सुनवाई होती है। केजरीवाल का भी ऐसे ही है, उधर जाओ आज जो जीत चुके हैं इसके एमएलए, उस टाइम पे जो एमएलए हैं उसके जीत चुके हैं, उस टाइम कुछ और थे, आज के टाइम पर कुछ और, बात करके राजी नहीं होते। पब्लिक तो वह है कि इतना वोट देना है खाली, अब वोट किसको देना है वो उसको सोचना पड़ेगा। कांग्रेस में कोई ढक्का ऐसे नेता है नहीं, वो अभी दो पार्टी नजर आ रही है, मेन चीज आती है कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है, कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं है, उस पर काम करती है, कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं है, इस हफ्ते हमारे इलाके में कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है इसको हम जानते हैं, हम पूछते हैं आगे कैसा है, इसके ऊपर आती काम है। ये लेकिन मोदी जी का चेहरा देखते तो वक्त हुआ है कि मोदी जी तो काम कर रहे हैं अपना, वो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर दिया, मगर जो इसके मन जनता तक निकालते हैं तो जनता तक पहुँचती नहीं है, कागजों में खत्म हो जाते हैं, कागजों में चढ़ा देते हैं, हमने इसको ये भी दिया वो दे दिया वो दे दिया, काम काम में 10% का मिलता है बाकी 90% का ऐसे कागजों में, ये अच्छी बात है। मतलब मूड जनता का है, इस पर मिला जुला अभी तक, अभी तक मिला जुला सही है, कोई फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है कुछ, तो मोदी को बीजेपी के कहने कर रहे हैं कुछ, केजरीवाल का जो केजरीवाल का समर्थक है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा ये बस में जब मैं गांव के लिए जब तो इसका प्रभाव ऑटो पर भी पड़ा है, मगर इतना नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए, स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में पड़ा था, मगर अब जो नॉर्मल हो गया, वैसे जाने वाली लेडीज हैं वो अब भी ऑटो में जाती हैं, मिडिल क्लास है लोअर कैटेगरी है वही सिर्फ बस में ट्रेवल करती है। और ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जैसे उबेर है ओला है तो उसका प्रभाव ऑटो को बहुत प्रभाव ज्यादा है, यह समझ लो 50% काम खत्म है इससे, 50% काम खत्म है इससे ओला उबर से जो है, ये तो देते हैं हर कंपनी को अपना, उससे कमीशन लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो हम जानते नहीं है, मगर जितने भी सबको देने लग रहे हैं परमिट दे रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये तो देखो गाड़ियाँ कहाँ है कितनी है कितनी नहीं है, एक ऑटो का किराया अगर तुमने 10 रुपये बढ़ा रखा तो उसका 15-15 तो करो, इतना डिफरेंस तो होना चाहिए, ड्राइवर का रखोगे तो 1-2 रुपये में कोई डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस जब आता है कि भाई इसका 10 रुपये उसका 18 रुपये जब रुपये दिखाता है, आदमी सोचता भी है उसमें 18 रुपये दूंगा तो मेरा बन रहा उसमें 350 रुपये, इसमें बन रहा 250 रुपये, तो मैं 100 रुपये बचाऊंगा ले जाऊंगा, ये चीज़ें सोच के चलते हैं इंसान, मतलब कैब सर्विस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव है, प्रभाव पहले ऑटो वाले को तुम्हारी आदत को दिया आप तुम्हारी छोड़ जाओ वही मिलती आप कोई ऐसे सवारी ढूंढनी पड़ती होता है घूमना पड़ता है ऐसे नहीं कि आपके यहाँ खड़े होने मिल जाती है, इसकी चल रही है हर किसी की बस्ती नहीं है, वो दुकान पहले ऐसा काम नहीं होता, और ऑटो लैन जो बदनाम इसकी ऐसे हो गई है कि कुछ नए नए लड़के आ गए की वजह से, अच्छा कैब की तरफ इस वजह से भी लोग थोड़ा ज़्यादा भागते हैं, इस वजह से नए लड़के आ गए हैं, नहीं नहीं उसमें कैब से कोई फर्क नहीं है, कैब का तो यह है कि उसने लोकेशन डाल दी कैब उसने घर पे जा रही है, सेफली पहुंचा रहे हैं कैब जा रही है, कैब के कई कांड हुए वैसे होने का तो सबसे ज्यादा कैब पर ही सबसे ज्यादा कैब पे हुए, ऑटो के इतने कांड नहीं हुए हैं कि ऑटो वालों ने कैसे कुछ नहीं कराया, ज्यादातर आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कहीं कुछ देखा होगा कि उस लड़की को वहां कर दिया, उस लड़की को ऐसा छिल दिया फिर बैग ले गया एक पर बिठा दिया एक को वहां से बिठा दिया कुछ कर दिया, ऑटो वाले की इसी रोड पर देखा फैमिली वाले कह रहे कैब वाले क्या जिनका अपना कुछ है नहीं यहाँ पे बाहर से आके चला रहे हैं हरियाणा यूपी से दिल्ली का कोई
कैब वाला 10% 20% मिलेगा कैब वाला, बाकी दिल्ली से बाहर नहीं मिलेंगे। ऑटो वाले जाते हैं, दिल्ली नंबर गाड़ी तो दिल्ली के अंदर ही जा सकती है गाड़ी, दिल्ली से बाहर जा नहीं सकती गाड़ी, दिल्ली के अंदर ही जा सकती है। और ऑटो वाले की और कुछ समस्या? ऑटो वाले की समस्या ही समस्या है। सबसे पहली बात तो सीएनजी का है, दूसरी बात जो आपने किराया बढ़ाया है, किराया कम से कम 4% बढ़ाते, इस सीएनजी का आपने डबल कर दिए, किराया डबल मत करो तो कम से कम 5 रुपये तो बढ़ाते। आपने 9.5 रुपये किलोमीटर था, अब 11 रुपये किलोमीटर करा, 5 रुपये बढ़ाओ तो कम से कम होते रहे 5 रुपये बढ़ाए, 3 रुपये बढ़ाते, 1.5 रुपये में क्या मिलता है, 1.5 रुपये में कुछ नहीं मिलता। जो सिलेंडर हमारा पहले 200 रुपये भर जाता था, आज 350 रुपये का भरता है, 150-200 रुपये रोज के फालतू जाते हैं इसमें, 150 रुपये से लेके अब 150 रुपये का हिसाब के लगा कर 4,500 रुपये मैंने फालतू लगा। मिल तो वही रहा है, हमें हमें जाए 50 रुपये फालतू मिल जाएंगे, और समस्या क्या है बाकी ट्रैफिक वालों का, अगर आप मेट्रो पे चला रहे हैं, किसी मेट्रो पे देख लो आप, ये नहीं कि किसी मेट्रो पे चले जाओ, जहाँ मेट्रो पे खड़े होते हैं वो ऑटो वाले, वो रिफंड में नहीं खड़े होते, मैं उनका वैसे अलाउ नहीं करता ऑटो वाला, मगर वहाँ पे खड़े हो गए उनको एंट्री देनी पड़ती है। अरे ऑटो वाला 1,000 रुपये एंट्री देता है एक ऑटो, अगर एक मेट्रो स्टेशन पर अगर 100 ऑटो खड़े हो गए तो 1,000 रुपये के साथ एंट्री करते हैं, जब खड़े होना देखते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ तक मिलवाओगे आप? सर ये आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में ऑटो वाली की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है, और इसी पैटर्न पर गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, ऑटो वालों के घरों पर जाकर खाना खा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के ऑटो वाले काफी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार से नाराज दिख रही है। जो ऑटो वालों ने सर आंखों पर अरविंद केजरीवाल को बैठा कर रखा था, आज समय ऐसा आया है जो ऑटो वाले विध के पड़े हैं।